नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट पे। आपके साथ मैं हूँ दीपिका रयाल। जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी की सत्यमेव जयते 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, जिसके चलते माना जा रहा है कि सत्यमेव जयते जॉन की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक होगी। चलिए अब आपको बताते हैं वो 5 कारण जो आपको जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी की सत्यमेव जयते देखने के लिए मजबूर कर देगी। पहली वजह है जबरदस्त डायलॉगबाजी। भारतीय सिनेमा हमेशा से जबरदस्त डायलॉगबाजी के लिए मशहूर रहा है। किसी भी फिल्म का नाम ले लीजिए, उसकी सफलता में जबरदस्त डायलॉग का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सत्यमेव जयते का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें कई सारे डायलॉग दिखाए गए थे। ट्रेलर से ये साफ जाहिर हो रहा था कि फिल्म के डायलॉग्स दमदार होंगे। दूसरी बड़ी वजह है शानदार एक्शन सीन्स। सत्यमेव जयते में जॉन अब्राहम जिस तरह गुंडों की हड्डियां तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि फिल्म में शानदार एक्शन सीन्स हैं। तीसरी वजह है दमदार कहानी। फिल्म प्रमोशन के दौरान ही जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी ने वादा किया था कि दर्शकों को सत्यमेव जयते में दमदार कहानी देखने को मिलेगी। भारत में मौजूद भ्रष्टाचार पर करारा वार करने वाली सत्यमेव जयते से दर्शकों को काफी उम्मीद है। चौथी वजह है आयशा शर्मा की डेब्यू फिल्म। सत्यमेव जयते से आयशा शर्मा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। फिल्म के ट्रेलर और गानों में जॉन के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है। और आखिरी और पांचवी वजह है देशभक्ति की भावना। सत्यमेव जयते देखने में भले ही एक मसाला फिल्म लग रही हो, लेकिन इस बात पर शक नहीं किया जा सकता कि मिलाप जावेरी की फिल्म देशभक्ति की भावना से ओतपोत है। सत्यमेव जयते न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करेगी बल्कि समाज को एक खूबसूरत संदेश भी देगी। आपको ये भी बता दें कि सत्यमेव जयते की सीधी टक्कर अक्षय कुमार की गोल्ड से है, लेकिन फिर भी फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देखना होगा दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ती है। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।